दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मैं मेरे कमरे के आगे ताला लगाकर ही बाहर जाऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मैं किसी की जिंदगी में ज्यादा दखल देना पसंद नहीं करती, लेकिन कोई भी बेवजह मेरी जिंदगी में दखल दे, वो भी मुझे पसंद नहीं। वो सासू माँ थी, बड़ी थी, इस घर की सुख शांति के लिए उनकी हर सही गलत बात शर्माते थी। उनकी हर जहादातियां ये सोचकर सहन करती रही। वो बड़ी है, मैं उनसे जबान राजी करके लड़ झगड़ कर कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अब इस घर के सोटे भी यही सोचेंगे जैसे उन्होंने मुझे रखा। वो भी मेरे ऊपर वैसे ही प्रतिबंध लगाएंगे तो वो बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ या फिर अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करती, लेकिन मेरे माता पिता ने बड़ों के सामने झुकना सिखाया है, छोटों के सामने नहीं। आज वैदई का गुस्सा शर्म पर था, क्योंकि देवरानी सुहानी ने उसके पीछे उसके कमरे की तलाशी ली थी और ननद विशाखा से फोन पर बहुत सारी बातें की। ये क्या हुआ था ये जानते हैं। वैदई जैसे ही बच्चों के फाइनल एग्जाम खत्म हुए अपनी बहन आशा के घर 4 दिनों के लिए चली गई। वो बहुत समय से उसे बुला रही थी, घर गृहस्थी की वजह से वो निकल नहीं पा रही थी। पहले घर अकेले छोड़कर जाते नहीं बनता था, लेकिन अब घर में देवरानी थी वो भी। अक्सर पूरा घर उसके सहारे छोड़कर कहीं मायके कहीं घूमने या फिर किसी भी रिश्तेदारी में निकल जाती, इसलिए वैदई ने भी इस बार मन पक्का करके घर से निकलने की सोची और पति देव से पूछ कर चली गई। वहां बहन के साथ थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली, क्योंकि पति देव ने कुछ रुपये देकर कहा था कि कुछ अपने और बच्चों के लिए भी लेती आना। उसकी आदत थी जो भी खरीदारी करती उसका बिल जरूर संभाल कर अपने बैग के आगे की जेब में डाल देती कि बाद में सारे रुपयों का हिसाब लगाएगी। अचानक से स्कूल से रिजल्ट देने की डेट आ गई तो वैदई को उसी दिन आनन फानन में बच्चों के साथ वापस आना पड़ा। उसने अपने बैग कमरे में रखे और पतिदेव के साथ बच्चों के स्कूल चली गई। उस समय संयुक्त परिवार था, कोई भी अपने कमरे में ताला लगाकर नहीं रखता था। स्कूल से आकर उसने बच्चों का रिजल्ट बताने के लिए उनकी
बुआ विशाखा को फोन लगाया तो वो हंसने लगी और भाभी कितने की शॉपिंग कर डाली, क्या क्या खरीद लिया हमें भी बताइए। वैदई को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, ये सब ननद तक किसने बात पहुंचाई, उसे तो अभी समय ही नहीं मिला कि घर में देवरानी को भी कुछ निकाल कर दिखाती। तब तक ननद बोली, हमें तो बिल का स्क्रीनशॉट भी मिल गया। अच्छा एक बात बताइए, आप सब ऐसा ही खुला छोड़कर चली जाती हैं, लॉक वगैरह नहीं लगाती? हमसे तो छोटी भाभी ने कहा कि भाभी ने तो खूब रुपये उड़ाए, खूब सामान खरीद कर लाई है। ननद विशाखा से बड़ी भाभी वैदई से जहादा बनती थी, इसलिए वो हर बात वैदई को बता देती थी। ये बात सुहानी को हजम नहीं होती थी तो वो लगातार कुछ न कुछ लगा बुझाई करती रहती थी। आज भी उसने यही किया, वैदई के घर से निकलते ही उसने वैदई के सारे सामान की तलाशी ली और उसे सामान के बिल मिल गए और उसने तुरंत घर में देवर ससुर जी को दिखाए, तुरंत ननद तक भी खबर कर दी। जबकि वैदई कभी भी उसके किसी मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी, कोई कुछ भी करे वो दूर ही रहती, लेकिन इसके उलट उसकी देवरानी उसकी हर चीज पर निगाह रखती और कानाफूसी करती रहती। लेकिन आज वैदई ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो सब के सामने इस बात का खुलासा करेगी और अब वो कहीं भी जाएगी तो अपने कमरे में ताला डाल कर जाएगी। उसने सब के सामने अपनी बात रखी, हर किसी को अपनी जरूरत के अनुसार सामान खरीदने का हक है, मैंने भी खरीदा, इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मैं भी किसी की बातों में कोई दखल नहीं देती, इसलिए मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई और मेरी किसी बात में दखलंदाजी करे। मेरे पीछे मेरे कमरे की तलाशी ली गई, मेरे बिल और सामान के बारे में सबको बताया गया, इसलिए अब आगे से मैं कहीं भी जाऊंगी तो अपने कमरे में ताला डाल कर जाऊंगी। आशा है आप सबको बुरा नहीं लगेगा, वैदई की बात सही थी, इसलिए सब ने चुप साप उसकी बात सुनी और कोई कुछ भी नहीं बोला। उसकी देवरानी तो बस इसी बात की खोज करती रही कि किसने कहा, मैंने तो ऐसा नहीं किया। लेकिन वैदई ने दो टूक बात करके बात वहीं की वहीं खत्म कर दी और हमेशा के लिए ऐसे सालू लोगों से सावधान हो गई।